वाह बाबा जी, दम बाबा जी दम। मैं सौरभ कुमार टीम BBF से, हम लोग आए हैं। एक बार हम लोग नेक वीडियो में बाबा जी को दिखाए थे, लाठी से आपकी औरत भी मारती है, भी मारता है। बाबा जी कुछ तकलीफ में है, खाना उनको नहीं मिल पा रहा है। आइए देखते हैं उनके मिलते हैं क्या प्रॉब्लम है उनको। नमस्ते बाबा जी। बाबा जी के देखते ही हम लोग को देखते ही चेहरा में खुशी आ जाती है। तो बाबा जी अच्छे से है ना आप? नहीं बाबा जी, आप पीजिए, आपके लिए है। रहते तो यहाँ पे अच्छा से व्यवस्था आपका हो ही गया है, रहने का तो कोई तकलीफ है नहीं। एक बार दिखाते हैं आप कहाँ रहते हैं, फिर आते हैं आपके पास, ठीक है? एक बार आते हैं, चलिए आइए दिखाते हैं बाबा जी कहाँ रहते हैं। कितना चावल खाए हुए कितना दिन हो गया? महीना हो गया। दाढ़ी उड़ी भी आपका काफी बन गया है, ये सब बनवाते नहीं है? जाएंगे रोड पर, हाँ तब सब बनाएं। नहीं, आगे में भी है एक सैलून, अच्छा वहाँ पे भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है? तो आप पे बन चले हम आपका दाढ़ी बनाने, और एक व्यवस्था करते हैं कि दिन भर के लिए आपका डेली का खाना का चावल और घरेलू खाना आपका मिल पाए। चलिएगा, चलते हैं बाबा जी को। और यहाँ पे कोई तकलीफ बाबा जी, घर की याद आती है? ना, नहीं आती है। ना, बच्चों की याद? ना, घर की याद नहीं। हमारे कोई नहीं है, आपका कोई नहीं है? परमात्मा आपके हैं, सबके परमात्मा है, सबके परमात्मा है। बाप जब मार देता है बच्चों को, हाँ, तो नहीं चुनता है, भगवान ही देते हैं। बाबा जी को अभी भी दुख है अपने बच्चों के लिए कि इनके संग ऐसा होता है। कभी घर जाने का याद आया? ना, अभी तक नहीं जाएंगे। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, मर जाइएगा, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाइएगा। क्यों बाबा जी? कहीं बेटा है उन लोग, हम लोग समझा के बेटा हमको उठा के पटकता है। हाँ, बिस्किट के लिए उठा के पटक दिया था। खाने के लिए उसको मम्मी नहीं देती थी। अच्छा, खाने पीने का भी आपको दिक्कत करता था? भीख चलो पट्टी टोला में जाते थे कि एक मुट्ठी भात दे दे, एक मुट्ठी भात दे, कोई नहीं देता। आप एक मुट्ठी चावल के लिए भी थोड़ा सा तकलीफ में थे? हाँ, लेकिन कोई देता नहीं था, कोई नहीं देता था। एवं चाय नहीं देता, एवं चाय भी नहीं, इतना। अच्छा, उस कारण से आप बहुत तकलीफ बहुत सहा लिए, उसके बाद आप निकल गए? हाँ, तब निकल गए, परमात्मा बुलाया है ना, परमात्मा बुलाया। थोड़ा सा आप कमजोर भी हो गए हैं? कमजोर बहुत जल्दी सूख गए, हड्डी सब सूख गए ना। हाँ, पहले इसको हम तड़प जाते थे। अच्छा, और जब से भात थोड़ा है, हाँ, तब से चढ़ल नहीं जाता। यानी आपको चावल की नीड है? हाँ, भात खाना आपको? भात खाना। चलिए हम आपका एकदम घरेलू खाना जो चावल दाल सब्जी का व्यवस्था कर देते हैं, हमेशा जब मन होगा वहाँ के खा लीजिए, हमेशा के लिए जब तक आपको मन है। तो कैसे जाना पड़ेगा वो? चलिए हमारे संग, ये झोला यहीं रख दें? ना, ये भारी है बाबा जी। ना, चलिए उठा लें हम, चलिए कुर्सी पे बैठिए भैया, इनको चावल खिलाइएगा। तो भाई बाबा चावल बहुत दिन से नहीं खाए, बैठिए बैठिए आराम से, लीजिए बैठिए। यहीं पे आप आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबा जी, खाइए, एकदम घरेलू खाना है, एकदम सादा सादा चावल दाल और देखिए सब्जी भी यहाँ है, लीजिए, ठीक है? ये बाबा जी हैं, इनको जब आएंगे डेली इनको चावल दाल एकदम सादा सादा खाना आप खिला दीजिएगा, ये पैसा हमारी टीम आपको देगी।
ये आप देख लिए हैं, या बाबा जी बोलिएगा तो ना भी आपको चावल खाने की इच्छा हो वो पैक करा के वहाँ पहुँचवा देंगे। तो क्या करेंगे आप, यहाँ आ जाइए कि वहाँ पहुँचवा देंगे? पहुँचवा देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं थोड़ा दूर है तो आप तकलीफ मैंने थोड़ा थक जाइएगा। हाँ ठीक है भैया, चावल डेली पैक कर दीजिएगा, हम मेरे लड़का को भेजेंगे तो इनको लिए दे दिया करेंगे। ये लड़का जो अभी आप आपको दिखाए डेली आएगा, इसको जान लीजिए, पहचान लीजिए, आपको पहुंचा देगा। ठीक है, चलो प्रणाम, आइए। अजय के संग हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, इनका थोड़ा सा दाढ़ी भी बन गया, इनको बढ़िया से बना दें और उनको अच्छे तरीके से, ठीक है ना बाबा जी, यहाँ बनवा देते आपका। वाह बाबा जी, दम बाबा जी, दम कैसा लग रहा है? सुख सुख, दम चेहरा भी आपका दम लग रहा है कि हाँ बाबा जी बदल गए। चलिए आपके मन ठीक है भैया, कितना हुआ? अरे इन लोग जो देता बना देता, कभी 10 रुपया नहीं दिया, हम बना देते हैं। भैया भी पहले बाबा जी की पहले दाढ़ी बनाए हैं भैया? बहुत बार बनाए, 2-3 बार बनाए, एक बार और पैसा बाकी है, नहीं देता, हम मांगते भी नहीं, जो दे दिया जो आ गया आ गया, नसीब में जो है वो चल के आएगा। आपका बाकी भी आप खुश हैं? उसका कोई दिक्कत नहीं है भैया, कभी आए बाबा जी बना दीजिए, घूमते घामते हम कभी आएंगे तो आपको दे देंगे। अब बाबा जी एकदम दाढ़ी उड़ी बना के एकदम चिकना हो गए नहीं बाबा जी? हाँ, कैसा लग रहा है? आपका चेहरा देखिए कितना खूबसूरत हो गया है। हाँ, जब तक यहाँ रहेंगे हाँ तब तक आपका, अरे बाबा जी हमारी टीम हमेशा आके मदद करेगी, डेली टाइम से 11-12 बजे के करीब आपको डेली खाना आ जाएगा, घरेलू खाना एकदम सादा सादा, चावल दाल सब्जी आपको मिल जाया करेगा। और आज बाबा जी के वो देख के मन खुश हुआ कि बाबा जी खुश हैं, अच्छे से हैं। बहुत लोगों को था कि बाबा जी कैसे, नेक्स्ट वीडियो में हमें जरूर दिखाइएगा, तो हमने बाबा जी का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। अब बाबा जी अब बिल्कुल अच्छे से यहीं रहना चाहते हैं, टीम बीबीएफ उनके पूरी तरीके से सेवा कर रही है, उनको जरूरी मदद हमेशा पहुंचा रही है, सुबह में चाय बिस्किट भी पहुंचा देती है टीम बीबीएफ। लेकिन घरेलू खाना का थोड़ा सा दिक्कत था, जो आज टीम बीबीएफ ने इनको पूरे कर दिया। चलिए बाबा जी पहुँच चुके हैं, आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा हम लोग हमेशा नेक काम करते रहें। चले बाबा जी,